अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। लेकिन हुज़ैफ़ा की वजह से ना मुझे भी टेम्परेचर हो गया यार, सर बहुत भारी है, तो इसलिए ना ये नूडल्स ही पड़ी हुई थी रात की, तो मैंने सोचा यही खा लेती हूँ। और कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था मेरा ना इतनी सुबह सुबह, तो ये भी खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन मैंने कहा मेडिसिन लेनी है ना कुछ खा लेती हूँ। अभी ना नींद भी पूरी नहीं हुई, आंखें दर्द कर रही हैं और सर भी इतना ज्यादा दर्द कर रहा है। चाय बना के ना उसके साथ मेडिसिन लूंगी मैं। तो रात को ना सोए भी लेट ने, जैफा के ताया वो कजन आ गए थे, तो बैठे बैठे बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, काफी टाइम हो गया, तकरीबन 1-1.5 बज गया था। तो चाय बना के दी, हमको चाय पी के बातें करते रहे, तो बातों बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। इतनी तेज भी नहीं बनाई, लेकिन ना गला खराब है ना, तो गले में जाके इस तरह चुभ रही है मैंने, और मेरा कुछ भी दिल नहीं कर रहा था ना खाने को। टेम्परेचर की वजह से तो सर भी भारी हो रहा था, आंखें भी दर्द कर रही हैं। मैंने कहा मेडिसिन खानी है, कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। तो देखा कि वैसे ना मेरा भी आंखों को दर्द है, जुकाम सा हो रहा है, समझ नहीं आ रही। देखा कभी अभी थोड़ा थोड़ा है बुखार, अभी सही से मतलब ठीक नहीं हुआ। मौसम भी आजकल शायद कुछ इस तरह से आ गया, तो सुबह बिल्कुल भी उस्मान जब ऑफिस जाने लग गया तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। उस्मान भी कह रहे थे कि मेरा भी सर दर्द कर रहा है, फिर मैंने उनको सेवैया बना के दे दी, चाय बना के ले आई हूँ, साथ मेडिसिन भी ले आई हूँ। अच्छा, ट्रे में ऐसे बना के लेके आती हूँ ना अपने लिए, जैसे पता नहीं मैं बीमार हूँ और कोई मेरी तीमारदारी कर रहा है। ऐसे लीजिए, आप खा लें, आप पी लें, आप मेडिसिन ले लें। चलिए, अपने आप को मैं यही फील करवा लेती हूँ कि मैं बीमार हूँ, मेरी खिदमत हो रही है। इस तरह ट्रे में लेके ना ऐसे बैठ जाती हूँ, खुद ही बना के लेके आई हूँ, खुद ही अपने लिए ट्रे सजाई है, खुद ही मेडिसिन ली है, खुद ही चलिए अपने आप को फील करवा रही हूँ कि मैं बीमार हूँ और मेरी खिदमत हो रही है। ट्रे में मेरे लिए चीज़ें सजाई जा रही है, मुझे मेडिसिन दी जा रही है, और हतिया खा लो मेडिसिन थोड़ी सी, नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा, थोड़ी सी मेडिसिन खा लो ना, चाय पी लो, मेरा दिल नहीं कर रहा। इस तरह आपने आपको फील करवाया, अगर कोई आपकी केयर कर रहा है, आपको मेडिसिन दे रहा है, आपको खाने का पूछ रहा है, क्योंकि जो अकेला होता है ना उनको इसी तरह करना पड़ता है, खुद ही बनाना पड़ता है, खुद ही खाना पड़ता है, और अगर बीमार हो जाए तब भी खुद ही कहना पड़ता है मेडिसिन खा लो मेडिसिन खा लो। अच्छी टिप दे दी है ना ये मैंने आप लोगों को, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा अपने ऊपर। अगर उस्मान घर होते ना तो वो मुझे मतलब इससे कहते मेडिसिन, रात को भी कह रहे थे कि मैं मेडिसिन जाके ले आता हूँ, तबीयत ज्यादा खराब होगी। मैंने कहा अब इतना टाइम, 1:30 बज गया था रात का, मैंने कहा इतना टाइम हो गया, आप रहने दें, मैं टैबलेट खा लूंगी। साथ ही उनको भी छींके आने शुरू हो गई। मैंने किस किस की मेडिसिन लेके आएगी, हमें ना कोई बात नहीं, घर पर टैबलेट पड़ी हुई है ना, मैं खा लूंगी। तो उस्मान की तबीयत तो ठीक है, सुबह मैंने पूछा था उनसे, नहीं कह रहे हैं वो ऐसे ही, शायद जैफा को उठाया था, जैफा को जुकाम हो गया था, उसकी वजह छींके आ रही है, लेकिन मेरा सर भारी हो रहा है, टेम्परेचर हो रहा है, तो मैं तो अपने आप को खुद ही थपकी दे रही हूँ ना, खा लो मेडिसिन। यही हकीकत है, इंसान को ना अपने आप को भी तवज्जो देनी चाहिए, दूसरों की तो हम केयर करते ही करते हैं, हम ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि दूसरा हमें आके पूछेगा। अगर आप दूसरों को खुद दे रहे हैं ये खा लो, ये मेडिसिन ले लो, आप ये कर लो, तो आप खुद को भी पूछा करें। अगर आपको कोई नहीं ना पूछ रहा तो आप खुद को पूछ लिया करें, आप दूसरों को तो देते हैं ना, खुद को पूछ लिया। अगर कोई पूछ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई नहीं पूछ रहा तो लाजमी ये नहीं कि हम दूसरों के सर चढ़ कर हम मतलब छोड़ देंगे, नहीं वो उसने नहीं पूछा था, मैंने कुछ नहीं खाना पीना, तो आप अपनी केयर खुद कर लें, यही बात है ना। इंसान अपने आप से प्यार करेगा तो दूसरों का ख्याल रखेगा, दूसरों की तवज्जो देगा, अपने बच्चों को संभालेगा ना। अभी मैंने अपनी अलमारी चेक की है तो दो तीन मुझे बैग नजर आए, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपनी बैग की जो दो तीन कलेक्शन है, सारी कलेक्शन तो मैं बाद में शेयर करूंगी, मेरे पास काफी सारी कलेक्शन है, तो दो तीन चीजें हैं ना जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। वैसे भी शादियों का सीजन आ रहा है, तो मुझे जो चीजें पसंद है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। एक बैग ये वाला मैंने लिया है, ये स्किन कलर का बैग है, और एक मेरे पास स्किन कलर का ये वाला बैग है,
और ये ऊपर से इस तरह से पकड़ने वाला बना हुआ है। इसके यहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा सा स्टोन्स का काम हुआ हुआ है और ये स्किन कलर का है। और यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं, अच्छे से कैरी हो सकता है, आप बाजू में भी इस तरह भी डाल सकते हैं और इजीली फंक्शन इंजॉय कर सकते हैं। अगर अगर आपने इसका बड़ा स्ट्रैप यूज करना है तो जितना मर्जी आप इसको लंबा कर सकते हैं। इसके साथ ये वाली भी है, इसकी मुझे ज्यादा ना इस तरह यूज करना पसंद है, मैं इस तरह बाजू में डाल के ना, और मुझे ये वाली चीज ज्यादा पसंद है और अच्छा भी लगता है इस तरह। ये तो स्किन कलर में और गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है। ये मैं उतार देती हूँ, अगर मैंने ये वाली यूज करनी हो ना तो फिर मैं ये वाली जो इसकी स्ट्रिपर है ये वाली मैं उतार देती हूँ। ये यहाँ से उतर भी सकती है, आप इसको ना यहाँ से अलग भी कर सकते हैं और सिर्फ ये वाली चीज भी आप यूज कर सकते हैं। एक तो था ये वाला, एक मेरे पास ये बड़े वाला है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये लेदर में है, बहुत ही सॉफ्ट है ये। मैंने तकरीबन मेरा साल हो गया मेरे पास ये वाला है। इसकी क्वालिटी बहुत ही प्यारी और काफी बड़ा भी है, इसमें बच्चों की भी चीजें आ सकती हैं या फिर मेकअप की चीजें कह रहे आप लेके जाना है तो आप उसमें वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और हुजैफा की चीजें तो इजीली इसमें आ जाती हैं। तो ये वाला इसके साथ भी ना इस तरह की, अगर आप चाहें तो इसमें भी इस तरह डाल के यूज कर सकते हैं, बाजू में भी। अगर आपने कंधे में डालना है तो उसके लिए भी इसमें है, अलग से स्ट्रिप मौजूद है। बहुत ही सॉफ्ट लेदर है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है। और इसके नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये देखिए इसमें गत्ता नहीं लगा हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट है। इसमें इजीली आप जितनी मर्जी चीजें इसमें डाल सकते हैं। और ये काफी बड़ा है साइज में। तो एक इसके साथ का एक और भी है, वो छोटे साइज में, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती, इसलिए मैंने ये वाला ले लिया। मैं कह रही थी ये वाला मैंने नहीं लेना, इतना बड़ा मैंने क्या करना है। तो फिर ना शॉपकीपर ने कहा कि इसके साथ ना एक छोटा बैग भी है, इसके अंदर देखिए आप चेक करें, इसके साथ छोटा बैग भी है। तो फिर मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, इसके साथ छोटा बैग भी है, तो ये देखें आप इजीली कैरी कर सकते हैं। और इसके साथ जो ये वाला है ना स्ट्रिप, इसकी ये इससे अलग होके आप उसको भी डाल सकते हैं, दोनों में यूज हो सकती है ये वाली। तो फिर मैंने कहा नहीं ये ले लेते हैं। और ये मैं एक साल से इसको मैं ना एक साल से यूज कर रही हूँ, बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ, ना कलर खराब हुआ है और ना ही इसमें लाइन पड़ी हुई है, इतना अच्छा सॉफ्ट लेदर है ये। और ये देखे चेक करें इसका, और मैं एक साल से तकरीबन आप समझ ले वीक में ना ये 3 से 4 दिन लाजमी है, पूरा एक साल से वीक में 3 से 4 दिन ये यूज होता है। हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, बाजार लेके जाती हूँ अपने साथ, जिस जहां भी मैंने जाना हो ना ये मेरे साथ होता है। मैं हैंड वाले पाउच यूज नहीं करती ज्यादातर, मैं यही वाली यूज करती हूँ क्योंकि मोबाइल रखना होता है और मोबाइल के साथ ब्लॉगिंग भी करनी होती है। तो फिर ये कंधे में लटका के ना तो इसमें चीजें इजीली मैनेज हो जाती हैं। तो एक ये वाला है, अभी मैंने अलमारी ओपन किया तो मुझे नजर आया, सोचा आप लोगों के साथ आज ये शेयर कर लेती हूँ। ये वाला स्पेशली ना मुझे बहुत ही पसंद आया, इसकी ये वाली चीज ना मुझे तो बहुत ही पसंद आ गई। और वैसे भी ना मुझे या फिर मस्टर्ड कलर में अच्छा लगता है, अब मैं सोच रही हूँ कि ना मस्टर्ड कलर में या फिर रेड कलर में ना कोई बैग लेके आऊँ। अभी कोई फंक्शन नहीं है, इतनी जल्दी आ रहा है, 1-2 माह तक अगर कोई फंक्शन आ गया तो मैं लाजमी एक हैंड बैग लेके आऊंगी, या फिर पाउच मैं इतने ज्यादा यूज नहीं करती, इस तरह के बैग वगैरह यूज कर लेती हूँ। तो अगर कोई फंक्शन जल्दी आ गया ना तो मैं लाजमी एक लेके आऊंगी, रेड कलर में या फिर मस्टर्ड कलर में, दोनों में से एक लेके आऊंगी। तो मेरा फेवरेट ये वाला भी है। सुबह नाश्ते के बाद से ना मैंने कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं की क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने मेडिसिन खाई है और लेट गई हूँ। अब सोचा थोड़ा सा उठ के ना कुछ कर लेती हूँ, तो फिर ना मुझे ये बैग नजर आया, सोचा आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लेती हूँ। अब मैं फ्रेश भी नजर आ रही हूँ आप लोगों को, सुबह की नस्बत ना अब काफी बेहतर तबीयत हो गई है, तो सोचा आप लोगों के साथ ये थोड़ा सा व्लॉग शेयर कर लेती हूँ। बस ये तो था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आपको बैग की कलेक्शन भी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर कल के व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, हैव अ लवली टाइम, अल्लाह हाफिज।